উপস্থিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় পর্যটন এবং সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সম্মানীয় প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলজি। প্যাটেলজি এই মালবাজার শহরে এখন চায় পেয়ে চর্চা করবেন এবং সংবাদ মাধ্যমের কাছে কিছু বলবেন। मैं पहली बार इस क्षेत्र में मंत्री के तौर पर आया हूँ। सुंदर जगह है, लेकिन पर्यटन के लिए ज़रूरी होता है शांति वाला वातावरण। और अगर बंगाल में पहले शांति आए ऐसा आप सब चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का आना ज़रूरी है। हमारे सांसद यहाँ बैठे हैं, रास्ते भर वो बताते आ रहे थे कि अगर हम ये ब्रिज बना देंगे तो हमको इतना समय बच जाएगा, हम सिलीगुड़ी और बागडोगरा एक घंटे में पहुंच जाएंगे। एक कोई नेताजी के बारे में भी उनने एक मुझे जानकारी दी है, जहां पर वो जेल में रहे हैं लेकिन वहां सड़क नहीं है। चीज़ें हैं लेकिन पर्यटन के लिए ज़रूरी है परसेप्शन का ठीक होना, वातावरण ठीक हो, शांत हो। और अगर बंगाल में शांति चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम अगर करना भी चाहें, भारत सरकार बहुत कुछ करना चाहती है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पर्यटन के लिए, सड़क के लिए, लेकिन अगर राज्य सरकार मदद नहीं करने के लिए तैयार है तो आप बहुत परिणाम नहीं ला सकते। लेकिन हम लोग निराश होने वाले लोग नहीं हैं। रास्ते में मैं सांसद जी से जो बात कर रहा था बिंदु बार, उन बातों पर कार्रवाई होगी। और मैं मानता हूँ कि लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं और उसके लिए जो चीज़ें ज़रूरी होंगी वो सब कुछ होगा। उसमें जो मध्यवर्गीय लोग हैं, हर आदमी होटल में रुकना नहीं चाहता, होम स्टे की आदत आजकल नौजवानों में है कि आपके घर में अगर सुंदर सा टॉयलेट है, अच्छा कमरा है तो वो आपके यहाँ रुकना चाहेगा, आपका भोजन करना चाहेगा। तो होम स्टे की स्कीम है, उसमें किसी राज्य सरकार की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई होम स्टे की स्कीम के लिए हमारे पास आवेदन करेगा तो आप विश्वास करिए एक साल के भीतर हम उसको सफल करके बताएंगे। सर एक ही ट्रेन चलता है सर कलकत्ता से, वो भी बंद है। छेड़ा 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 छेड़ा।